जय हिंद जय हिंद आप सभी का एप डी क्लासेस में स्वागत है आज हम 20 अगस्त को जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक like और शेयर ज़रूर करें साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके चलिए आज का पहला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में राज्य के कितने लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं इनका सही आंसर होगा चालीस लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं याद रखेंगे यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है छत्तीसगढ़ में पाँच वर्षों में राज्य के चालीस लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं राज्य में शहरों की तुलना में गांवों में गरीबों की संख्या तेज़ी से कम हुई है इसमें याद रखेंगे शहरों की तुलना में गांवों में गरीबी की संख्या तेज़ी से कम हुई है प्रदेश के तीन ज़िले जिसमें कबीरधाम सरगुजा दंतेवाड़ा में तेईस से पच्चीस फीसदी लोग गरीबी से बाहर आए हैं इन तीनों जिलों का नाम याद रखेंगे जिसमें तेज़ी से गरीबी कम हुए हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लेकर नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2015-16 और 2019 21 के बीच तेरह दशमलव तिरपन फीसदी लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं याद रखेंगे पाँच साल में तेरह दशमलव तिरपन फीसदी लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं जिनकी संख्या चालीस लाख के आसपास है 2020 की प्रोजेक्टेड जनसंख्या के हिसाब से यह संख्या उनचालीस लाख नब्बे हज़ार से ज़्यादा है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी का अनुपात राज्य में 2015 16 में उनतीस दशमलव नब्बे प्रतिशत था जो 2019 21 में घटकर उन्नीस दशमलव सड़तीस प्रतिशत रह गया है छत्तीसगढ़ गर के ग्रामीण क्षेत्रों में यह गिरावट सोलह दशमलव जीरो पॉइंट सात प्रतिशत दर्ज की गई है जबकि शहरी क्षेत्रों में पाँच दशमलव अंठावन फीसदी लोग ही गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं याद रखेंगे सोलह दशमलव जीरो सात प्रतिशत की दर से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की गिरावट हुई है वहीं शहरी क्षेत्रों में पाँच दशमलव अंठावन फीसदी लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने रीपा केंद्रों में बैकिंग सुविधा उपलब्ध है जिनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के सत्तर रिपा केंद्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है याद रखेंगे नवा रायपुर स्थित राज्य योजना आयोग के कार्यालय में आयोग के उपाध्यक्ष ने नाबार्ड और अपेक्ष एवं अग्रणी ग्रामीण बैंकों से बैठक की है बैठक में राज्य में स्थापित सभी तीन सौ रिपा केंद्रों में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की चर्चा की गई है जिससे रिपा के ग्रामीण व्यवसायियों एवं स्व समूहों को रिपा ग्राम में ही बैंकिंग सुविधा व त्वरित ऋण प्राप्त हो सके वर्तमान में सत्तर रिपा केंद्रों में बैंकिंग सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध है साथ ही अन्य रिपा केंद्र में भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है राज्य में तीन महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क का, का निर्माण कराया गया है रिपा के अंदर एक प्रशासनिक क्षेत्र का निर्माण किया गया है जिसमें बैंकिंग सुविधा हेतु तो क्योश का इंटरनेट सुविधा हेतु तो वाईफाई कनेक्शन और राज्य शासन की योजनाओं की जानकारी हेतु हेल्प डेस्क नाइन का निर्माण किया गया है चलिए अगला प्रश्न देखिए विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है तो इनका सही आंसर होगा हर साल विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है मानवतावादी कार्य का सम्मान करने और बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हमले की बरसी को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में नामित करने का एक प्रस्ताव अपनाया गया है याद रखेंगे 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में केनाल होटल पर हुए हमले में दो मानवतावादी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में लगातार अंडर ट्वेंटी विश्व किताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है तो इनका सही आंसर होगा अंतिम पंगाल लगातार अंडर ट्वेंटी विश्व किताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बन गई है आप इमेज में देख सकते हैं यह है अंतिम पंगाल जी चलिए ध्यान देंगे अंतिम पंगाल ने लगातार अंडर ट्वेंटी विश्व किताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनकर इतिहास रच दिया है भारतीय महिला टीम ने खेल के इतिहास में पहली बार टीम खिताब जीता है प्रिया मलिक ने 18 अगस्त दो को छिहत्तर किलोग्राम में खिताब जीत हासिल किया है भारत के पहलवानों ने सात पदक जीते हैं जिसमें तीन स्वर्ण पदक एक रजत पदक और तीन कांस्य पदक शामिल हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को अपना पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है जिनका सही आंसर होगा महाराष्ट्र के सरकार ने अपना पहला उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है आप इमेज में देख सकते हैं यह है रतन टाटा जी और यह एक नाथ सिद्धे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं याद रखेंगे उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार तो द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है यह पुरस्कार सी एम एक नाथ सिंधे द्वारा प्रदान किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट के आदान वाला को उद्योग मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया है विलास सिंधे को सर्वश्रेष्ठ मराठी उद्यमी का पुरस्कार दिया गया है सरकार ने प्रतिष्ठित उद्यमियों को महाराष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रायपुर नगर निगम के क्यू कोड बेस्ड डिजिटल डोर नंबर प्लेट योजना को किस देश में सम्मानित किया गया है तो इनका सही आंसर होगा थाईलैंड और सिंगापुर में सम्मानित किया है याद रखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रायपुर नगर निगम के क्यू आर कोड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिला है इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है रायपुर नगर निगम के क्यू आर कोड बेस्ट डिजिटल रोड नंबर प्लेट योजना को द एसे ट्रिपल अवार्ड बैंक ऑफ थाईलैंड और डिजिटल सी एक्स अवार्ड सिंगापुर से सम्मानित किया है याद रखेंगे द एस एस ट्रिबल अवार्ड और डिजिटल सी एक्स अवार्ड थाईलैंड और सिंगापुर में सम्मानित किया है इस अवार्ड को योजना के सहयोगी संस्थान बैंक के आईटी नेशनल हेड ने महापौर एजाज ढेबर और निगम आयुक्त तो मयंक चतुर्वेदी को सौंपा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विधानसभा में जागरूकता विधायक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है तो उनका सही आंसर होगा विधानसभा में जागरूक विधायक के रूप में श्री धर्मजीत सिंह को सम्मानित किया है याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जागरूक विधायक के रूप में धर्मजीत सिंह को सम्मानित किया है राजधानी रायपुर विधानसभा में उत्कृष्ट अलंकरण एवं विधायी समारोह आयोजित किया गया जिसमें राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने समारोह में वर्ष दो के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित श्रीमती संगीत सिन्हा और श्रीमती रंजना डीपे शाहू को सम्मानित किया है याद रखेंगे उत्कृष्ट विधायक के रूप में संगीत सिन्हा और श्रीमती रंजना डीपे शाहू को सम्मानित किया गया यह सम्मान दो सॉरी माफ कीजिएगा दो के लिए दिया गया है जागरूक विधायक के रूप में श्री धर्मजीत सिंह को दिया गया है उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के रूप में चयनित पत्रिका से श्री राहुल जैन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से श्री देवव्रत भगत और कैमरामैन श्री रोहित श्रीवास को सॉल श्रीपल स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है याद रखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ में आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए किसके बीच एम यू पर हस्ताक्षर हाँ हुए हैं तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में आईआईटी के आधुनिकरण के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया गया है याद रखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में बाईस जुलाई दो को विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष का में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के छत्तीस शासकीय आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए लगभग ग्यारह सौ दशमलव छत्तीस करोड़ परियोजनाओं पर तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच समझौता हुआ है याद रखेंगे तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है राज्य के 36 आईटीआई में युवाओं को छः ट्रेडों में तथा 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा राज्य के चयनित आईटीआई में अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना की जाएगी साथ ही प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी इसके अलावा राज्य के युवाओं को प्लेसमेंट देने में टाटा और उनकी सहयोगी कंपनी सहयोग करेंगे इस परियोजना से प्रतिवर्ष दस हज़ार से अधिक युवाओं को नए जमाने के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मांझीगढ़ पर्यटक स्थल किस ज़िला में स्थित हैं जिनका सही आंसर होगा मांझीगढ़ पर्यटक स्थल कोंडागांव जिला में स्थित है याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि यह बहुत ही चर्चित स्थल है मांझीगढ़ पर्यटक स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है बत्तीस गाँव का गढ़ मांझीगढ़ तीन साल पहले ही अपने विहंग दृश्यों के चलते सैलानियों के पसंदीदा पर्यटक स्थल के रूप में अपना स्थान बना चुका है 18 मार्च 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव जिला में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होते हुए मांझीगढ़ पर्यटक स्थल को जैव विधा पार्क के रूप में तथा जंगल सफारी की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की थी याद रखेंगे अट्ठारह मार्च दो को जंगल सफारी की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत कितने रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी जिनका सही आंसर होगा पंद्रह सौ रुपये मानसिक पेंशन दी जाएगी याद रखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सुनवाई को यूट्यूब पर प्रसारण करने वाला देश का कौन से क्रम का कोर्ट बन गया है इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय जा छत्तीसगढ़